प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम सोने का हिरण पाठ के एमसीक्यू करेंगे, जो कि कक्षा 6 से बालराम कथा से दिए गए हैं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। राम को पर्णकुटी से निकलते हुए देखकर कौन कुलाचे भरने लगा? राम को पर्णकुटी से निकलते हुए देखकर कौन कुलाचे भरने लगा? रावण, मेघनाद, मारीच, शूर्पणखा। तो इसका राइट आंसर आएगा मारीच। मारीच राम को पर्णकुटी से निकलते हुए देखकर कुलाचे भरने लगा। क्वेश्चन नंबर 2। कुलाचे भरना शब्द का क्या अर्थ है? कुलाचे भरना शब्द का क्या अर्थ है? मर जाना, तेज तेज दौड़ना, डगमगा जाना, पागल हो जाना। तो इसका राइट आंसर आएगा तेज तेज दौड़ना। कुलाचे भरना शब्द का अर्थ है तेज तेज दौड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मायावी हिरण का रूप किसने धारण किया था? मायावी हिरण का रूप किसने धारण किया था? रावण ने, मेघनाद ने, मारीच ने, शूर्पणखा ने। तो इसका राइट आंसर आएगा मारीच ने। मायावी हिरण का रूप मारीच ने धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। राम ने मारीच को कैसे मारा था? राम ने मारीच को कैसे मारा था? बाण से, तलवार से, मलयुद्ध में, सुदर्शन चक्र से। तो इसका राइट आंसर आएगा बाण से। राम ने मारीच को बाण से मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जब राम ने मारीच को मारा तो रावण कहाँ खड़ा था? जब राम ने मारीच को मारा तो रावण कहाँ खड़ा था? जल में, वृक्ष के पीछे, गगन में, झाड़ी में। तो इसका सही आंसर आएगा वृक्ष के पीछे। जब राम ने मारीच को मारा तो रावण वृक्ष के पीछे खड़ा देख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राम का लक्ष्मण के लिए क्या आदेश था? राम ने लक्ष्मण को क्या आदेश दिया था? सीता से बातें करना, सीता का मन बहलाना, सीता की रक्षा करना, ऋषियों की सेवा करना। तो इसका राइट आंसर आएगा सीता की रक्षा करना। राम का लक्ष्मण के लिए आदेश था सीता की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मायावी राक्षसों की अगली चाल क्या थी? मायावी राक्षसों की अगली चाल क्या थी? लक्ष्मण को कुटिया से दूर ले जाना, सीता को मारना, लक्ष्मण को बेहोश करना, सीता को भ्रमित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा लक्ष्मण को कुटिया से दूर ले जाना। मायावी राक्षसों की अगली चाल क्या थी? लक्ष्मण को कुटिया से दूर ले जाना। और पहली चाल क्या थी? मायावी हिरण बनकर राम को ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हिरण की आवाज, मायावी आवाज सुनकर सीता ने लक्ष्मण से क्या कहा? हिरण की मायावी आवाज, मायावी आवाज मतलब भयंकर कातर आवाज सुनकर सीता ने लक्ष्मण से क्या कहा? तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ऐसी कातर आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि हिरण की कातर आवाज सुनकर सीता ने लक्ष्मण से कहा कि तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ऐसी कातर आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए क्या कहा? लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए क्या कहा? आप चिंता ना करें, मायावी राक्षसों की चाल है, भाई राम जल्दी ही आते होंगे, उपर्युक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या आएगा? उपर्युक्त सभी। जब सीता ने लक्ष्मण से मायावी आवाज सुनकर कहा कि आपके भाई किसी खतरे में है, तो उसके बाद लक्ष्मण ने क्या कहा? आप चिंता ना करें, मायावी राक्षसों की चाल है, भाई जल्दी आते होंगे। तो इसलिए इसका भी क्या आंसर आएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, ये शब्द किसने कहे हैं? तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, ये शब्द किसने कहे हैं? राम ने, लक्ष्मण ने, सीता ने, रावण ने। तो इसका राइट आंसर आएगा सीता ने। सीता ने लक्ष्मण से कहे हैं ये शब्द किसने कहे? सीता ने कहे, और किससे कहे? लक्ष्मण से कहे थे। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, ये शब्द सीता ने
लक्ष्मण को कहे। जब लक्ष्मण ने कहा कि आप चिंता ना करें, मायावी राक्षसों की चाल है, भाई राम जल्दी आते होंगे, इसलिए सीता ने कहा कि तुम अपने भाई को बचाने नहीं जाना चाहते, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। रावण सीता का हरण करने के लिए किस वेश में आया? रावण सीता का हरण करने के लिए किस वेश में आया था? साधु के वेश में, राजा के वेश में, भिखारी के वेश में, राक्षस के वेश में? किस वेश में आया था? साधु के वेश में आया था। रावण सीता का हरण करने के लिए साधु के वेश में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सीता के हरण के समय मार्ग में रावण को कौन मिला था? सीता के हरण के समय मार्ग में रावण को कौन मिला था? भरत, हनुमान, जटायु, अंगद? इसका सही आंसर आएगा जटायु। सीता के हरण के समय मार्ग में रावण को जटायु मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किसने जटायु के पंख काट दिए? राम ने, लक्ष्मण ने, सीता ने, रावण ने? तो इसका राइट आंसर आएगा रावण ने। रावण ने जटायु के पंख काट दिए, क्योंकि जटायु सीता की रक्षा करने के लिए रावण के पीछे पड़ गया था, इसलिए रावण ने जटायु का पंख काट दिया, जिससे जटायु नीचे गिर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। रावण सीता को हरण कर कहाँ लेकर गया? रावण सीता को हरण कर कहाँ लेकर गया? अयोध्या, लंका, पर्णकुटी, पंचवटी? तो इसका राइट आंसर आएगा लंका। रावण सीता का हरण कर लंका लेकर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सीता को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया? सीता को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया, या रावण ने सीता को बंदी बनाकर कहाँ रखा? पंचवटी में, पर्णकुटी में, अशोक वाटिका में, वन में? तो इसका सही आंसर आएगा अशोक वाटिका में। सीता को बंदी बनाकर अशोक वाटिका में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हरण के समय मार्ग में सीता ने क्या किया था? हरण के समय मार्ग में सीता ने क्या किया था? शोर मचाया था, आभूषण उतार कर फेंक दिए थे, रावण को श्राप दिया था, बेहोश हो गई थी? तो इसका राइट आंसर आएगा आभूषण उतार कर फेंक दिए थे। कई बच्चे ये सोचेंगे कि शोर मचाया था, हरण के समय सीता ने शोर तो मचाया था, लेकिन पाठ के अनुसार आभूषण उतार कर फेंक दिए थे। इसका अगर आभूषण उतार कर फेंक दिए थे ऑप्शन में ना हो तो शोर मचाया था आएगा, वरना आभूषण उतार कर रास्ते में उसने फेंक दिए थे ताकि राम खोजते हुए वो इस दिशा में उसके पास पहुंच जाए, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। रावण ने राम लक्ष्मण को मारने के लिए कितने राक्षसों को भेजा था? रावण ने राम लक्ष्मण को मारने के लिए कितने राक्षसों को भेजा था? 4, 7, 8, 10? तो इसका राइट आंसर आएगा 8 बलिष्ठ राक्षसों को भेजा था। रावण ने राम लक्ष्मण को मारने के लिए 8 बलिष्ठ मतलब शक्तिशाली राक्षसों को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। प्राण पखेरु उड़ना का क्या अर्थ है? प्राण पखेरु उड़ना का क्या अर्थ है? मर जाना, पाप से युक्त, वियोग, डगमगा जाना? तो इसका राइट आंसर है मर जाना। प्राण पखेरु उड़ना का अर्थ है मर जाना। दैट्स ऑल।